छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी से मिलने जेल पहुंचे भूपेश बघेल भाजपा के सवालों में घिर गए। भाजपा नेताओं ने इस मुलाकात पर तीखा हमला बोला। आखिर भूपेश बघेल के जेल जाने पर क्यों गरमाई हुई है सियासत, आपको बताते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कोयला शराब घोटाले समेत कई अन्य मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद से सूर्यकांत तिवारी जेल में बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक उनसे मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे। भूपेश बघेल सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट को दिए शपथ पत्र के बाद उनसे मिलने जेल पहुंचे थे। वो सूर्यकांत तिवारी से तो नहीं मिल सके, लेकिन उनके जेल पहुंचने पर सियासत जरूर गर्म हो गई। पहले तो उन्होंने रायपुर आईजी पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने कहा कि सूर्यकांत तिवारी पर उनका नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब भाजपा के नेताओं ने इस मामले में भूपेश बघेल पर ही तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने जहां भूपेश बघेल पर आरोपियों को बचाने और उनके साथ खड़े होने को लेकर हमला बोला, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि जो आरोप भाजपा लगाती रही है उन आरोपों को भूपेश बघेल ने जेल जाकर प्रमाणित कर दिया है। किरण सिंह देव ने पूछा कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। रायपुर संभाग के भी आईजी हैं और साथ ही एसीबी और ईडब्ल्यू के, और वो आके यहां एक बंदी से बुला के बिना अधीक्षक के उपस्थिति के उसके कक्ष में बैठ के उसे धमकाने डराने का काम किया गया, और उसमें सीधा सीधा उसको कहा गया कि मेरा नाम लो, और फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी कोर्ट में, और तब फिर मैं यहां मिलने पहुंचा। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री को तो लिखूंगा ही, अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट, इनको भी मैं लिखूंगा पत्र कि इस प्रकार से अधिकारी जेल में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह संस्कार रहा है आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना और जो देश विरोधी काम करते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना, कांग्रेस पार्टी की कोई भी नेता हो, ये उनका उनका संस्कार, उनकी संस्कृति है। राज्य के और राज्य की जनता का पैसे का दुरुपयोग करना और उसको अपने हित के लिए, स्वयं के हित के लिए भ्रष्टाचार की सीमा लांघ जाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और हालांकि प्रेजुडिस मामला है और कोर्ट में है, न्यायालय माननीय न्यायालय में है ये मामला, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा कि अगर संलिप्तता नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जेल तक में जाना पड़ गया मिलने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर अलग अलग मामलों में कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया, लेकिन सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात को लेकर वो अब खुद सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इसे लेकर कई नए ट्विस्ट भी देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल भूपेश बघेल के जेल पहुंचने से भाजपा को उन पर हमला बोलने का एक और अवसर जरूर मिल गया है। गौरव शर्मा, रायपुर।